एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पर जी हम लोग निकाल रहे थे जी मटर, और इसको जो है वो पता लग गया था कि हम मटर निकाल रहे हैं, तो ये नीचे आ गया और मैंने इसको छिलके थोड़े से दिए हैं भी हैं, और ये अभी खा भी रहा था यहाँ पे। और ये ना बहुत नीचे आना शुरू हो गया। इसको ना पता है कि यहाँ पे नीचे एक तो इनका चारा पड़ा होता है, ये भी इसको पता है। सेकेंडली ना ये नीचे बहुत आता है और नीचे आके ऐसे घूमता फिरता रहता है। देखो ये मंजियों पे भी चढ़ जाता है, मुझे इतना इसका मतलब इस चीज से इरिटेशन होती है। तो बस अभी मैं इसको निकालना था हमने, और वैसे भी हम छत पे ही जाने लगे थे, तो अभी बस जो है ये देख लेंगे गैराज की तरफ। इसने आज देख लिया है कि इसका चारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो बस अब ये नीचे ही आता रहेगा। ये इसने देख लिया, ये देखे। अब मैं इसको भगाऊंगी और ये आगे आगे लग के भागेगा। दरवाजा भी खुला हुआ था बाहर का, और इसको मैं सोच रही हूँ कि भगा दूँ ऊपर, और ये जाने के नाम नहीं लेगा। खैर मैंने इसको फिर जो है ना भगा दिया था, क्योंकि आपको पता है नीचे तो नहीं ना, इस तरह के जानवरों को अगर हम लोग नीचे रखेंगे तो स्मेल बहुत ज्यादा आती है एक तो। ऊपर चलो 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 चलो, अभी मैं इनके लिए खाना लेकर जा रही हूँ ऊपर। चलो चलो ऊपर ही चलो, इसको पता। और ये बकरी, और ये मैं है स्मेल। खा लो। बाहर का मौसम कुछ इस तरह से। अब जी गर्मी आ गई है, ठीक है ना, बट कई इलाकों में कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। हमारे यहाँ पर अभी इतनी खास गर्मी नहीं आई, ठीक है, तो मतलब बेयर कर सकते हैं हम, इतनी गर्मी है। और मेरा रोज़ा है वन मैं यहाँ से बेर खाती, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था इस टहनी से उतारूं, ये देखिए। तो खैर कोई बात नहीं, मेरा रोज़ा है आज, और आज 15 तारीख है, शबे बारात की, सॉरी शाबान की। तो इसके अंदर जो शबे बारात होती है उसका रोज़ा रखा जाता है। ने 14 शाबान को और 15 शाबान दोनों को रोज़ा रखा है। सो जी जनाब, हमें जो है वो फैक्ट्री से राशन मिलता है हर मंथ नहीं, बट ये वर्कर्स को मतलब मिलता है। ये कोई मतलब वैसे ही रमज़ान की मतलब जैसे रमज़ान आ रहा है या ईद आती है, तो इस तरह मतलब वो लोग हर वर्कर को देते हैं जो मतलब उस फैक्ट्री में काम करता है। तो हमें फिर मिल गया, मतलब ये भाई शाक की फैक्ट्री से मिला है। तो इसमें जो है वो हमें कितना किलो घी मिला था अभी? 3 किलो घी भी मिलता है, पर घी के पैकेट जो है ना वो लीक हो रहे थे, तो हमने जो है ना वो किसी बर्तन में डाल के रख दिए हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर मैं नहीं दिखा रही आप लोगों को, बट वो भी था। उसके अलावा जी यहाँ पर ये सुप्रीम जो पत्ती होती है टी, उसका ये कुछ कितने वाला पैक है, 170 वाला जो है ना वो ये पैक है सुप्रीम चाय का। और फिर हमें मिला है जी सॉल्ट, ये वाला नमक बहुत अच्छा है, हम यही यूज करते हैं नॉर्मली भी, तो नमक। उसके अलावा ये लाल मिर्च पाउडर है, और ये दाल है, मसूर की दाल है ना ये, हाँ जी। और उसके अलावा ये जो मूंग की दाल है, क्या माश की, मूंग की है ये। और उसके अलावा ये चीनी है, चीनी 3 किलो, नहीं ये मुझे किलो वाला है, और वो वाला किधर है, हम अंधे हो गए, हाँ जी ये भी 1 kg, नहीं वो 2 kg का नीचे भी है। ये वाला 1 kg, यानी कि ये मेरे ख्याल 5 kg चीनी है हमारे पास। और ये राइस है, ये वाला 1 kg का पैक है, ये वाला भी 1 kg का, और 3 kg जो है वो चावल है, और 5 kg चीनी है हमारे पास। सो ये जो है वो हमें राशन मिला है फैक्ट्री की तरफ से। तो और इनका राशन बहुत अच्छा होता है, मेट्रो वालों की तरफ से ये राशन देते हैं, मतलब हर चीज़ जो है ना वो अच्छी क्वालिटी की होती है। और यस, सो थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती चलूँ, ये देखें ये क्या है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो है ना हमारे कल से घर में पता क्या हो रहा है, इस पंखे के ऊपर वाली जगह में चिड़ियों ने अपना घोंसला बनाना शुरू किया हुआ है। ये रात को हमने उठाए और आज सुबह से फिर वो यही काम कर रही है, और इसको देख लें जी,
चलो चलो ऊपर। अभी मैं ऊपर से आई हूँ, तब मेरे पास आया नहीं, और मेरे पीछे पीछे नीचे आ रहा है। तो जनाब अभी जो है वो हमारे घर में आज सभी का रोज़ा नहीं है, सिर्फ मेरा और मेरी सिस्टर का है, वरना नाना अबू भी रखते होते हैं पहले, लेकिन अब वो ठीक नहीं है तो उन्होंने नहीं रखे इस दफ़ा। शबे बारात के दोनों रोज़े नहीं रखे उन्होंने। उसके अलावा ये है कि जी अभी 4 बज चुके हैं और ये थोड़े से दोपहर के बर्तन थे, वही सुहाग भी काम पर गए हैं, उनका भी रोज़ा नहीं है। बाकी जो नानी वगैरह लोगों को भी रोटी वगैरह देनी होती है। उसके अलावा ये कि सुबह मेरे हस्बैंड आए थे तो वो भी धोने वाला है अभी उनका टिफ़िन, वो भी धोती हूँ, और स्टैंड के सारे बर्तन खाली 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 हो गए तो वो मैं अभी धो लेती हूँ। उसके बाद जी हमने आज कुछ स्वीट डिश बनाने का सोच रही हूँ। दूध मेरे पास अवेलेबल है बट उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मैं देखती हूँ शायद कुछ हो। और आज हमने बनाने हैं जी चावल, चावल जो है वो हमने आज बनाने हैं, खत्म भी दिलाने हैं आलू मटर वाले चावल, माय फेवरेट। तो खैर अभी जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले मैं किचन को क्लीन करूंगी और फिर जो है वो बाकी के काम स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको जो है वो फिर दोबारा से खिला रही थी। तो इसके बाद फिर क्या हुआ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जब छत पे गई हूँ तो उसके बाद जब मैं नीचे आई हूँ ना तो ये भी मेरे आगे आगे नीचे आ गया था और मैं नीचे गिर गई थी सीढ़ियों से। मेरे बहुत बुरी चोट लगी है, कमर पे भी और मेरे पाँव पे, मेरे बाजू पे चोट लगी है। ये मैं छत पे आकर रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे मोबाइल को जो प्रोटेक्टर है ना वो भी टूट गया है बहुत बुरा, अभी हमने 3 दिन पहले ही लगवाया था नया, तो अभी ये देख लें जी आप, ये भी टूट गया है। मैंने क्लिप रिकॉर्ड की थी फिर थोड़ा सा, और अभी मैं गिरने के बाद छत पे आई हूँ दोबारा से। और जो हमारा बकरा है ना, सीरियसली उसको ज़रा भी जो है ना इंसानियत उसमें नहीं है। ये आप देखें, सारा का सारा मेरा जो प्रोटेक्टर है वो टूट गया है और किसी काम का नहीं रहा प्रोटेक्टर। और ये देख लें इसको, इसको ज़रा भी नहीं है, मुझे गिरा के तब किस तरह से खेल रहा। और आज हम चावल बना रहे हैं आलू मटर वाले, और मुझे इसका बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। जब मैं गिरी हूँ ना तो मुझे पहले जो चीज़ फोकस करनी थी वो यही थी, मैंने कहा मेरा मोबाइल तो नहीं टूट गया, बहरहाल अलहमदुल्ला बच गया था मोबाइल, और अलहमदुल्ला ठीक है मोबाइल। और प्रोटेक्टर टूटा है वो अब चेंज दोबारा से करवाना पड़ेगा, बट बहुत चूरा चूरा हो गया था प्रोटेक्टर, मुझे ये नहीं था कि बच जाएगा मोबाइल। और मैं भी गिर गई हूँ, मुझे चोट लगी है बट फाइन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आज का रोज़ा फिर हमारा बस इसी तरीके से गुजर गया है, आधा दिन अच्छा गुजरा और आधा दिन नहीं अच्छा गुजरा। सो इफ्तारी हमने अभी तक की ही नहीं है, हमारे मेहमान आ गए थे, अभी 7:45 का टाइम है। नंद आई हुई थी मेरी, पता लेने आई थी मेरा, मैं गिर गई थी ना तो वो पता लेने आई है। और ये मैंने बर्गर बनाया था थोड़ा सा, साथ में ये चाय है, चाय बहुत दिन हो गए थे पी नहीं थी तो मैंने कहा पी लूँ। और यहाँ पे मैं आप लोग को थोड़ा सा अपने बाजू दिखा रही हूँ, ये जहाँ पे मैंने मार्क किया यहाँ पे, अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे ना ये ब्लैक सा हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है मुझे। जी जनाब, अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने लगी हूँ। मेरी ना कमर में बहुत शिद्दत की पेन होने लग गई है, जहाँ पर मेरे चोट लगी है ऊपर, उसके अलावा जो बाजू में चोट लगी है उस पर भी बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो बस अभी जो है मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया हो तो मेक श्योर कर दें जी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अभी मेरी आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा, आज मैंने बड़ी स्ट्रांग सी चाय बनाई है, ये भी कैमरे में इतनी ज़्यादा स्ट्रांग ना नज़र आ रही हो जितनी रियल में है। तो सभी मैं इसको पीऊँगी। और ये उस का मैंने एलोवेरा के जेल का जो है वो पत्ता ला के रखा हुआ है, यूज़ नहीं कर पाई, स्किन केयर करने का सोचती रोज़ हूँ तो रोज़ ही टाइम नहीं लगता। उसके अलावा जी ड्रेसिंग की सेटिंग मैंने कुछ इस तरह की कर दी है, और ये परफ्यूम बहुत ही अच्छा लगा है मुझे, यही परफ्यूम मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ आजकल, और मुझे इसकी खुशबू बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इसके अलावा ये वाला जो है वो मैं यूज़ नहीं कर पा रही, तो इसलिए मैं इसका कोई ख़ास कमेंट नहीं पास करूँगी। वैसे मैंने इसकी बॉडी स्प्रे यूज़ की है, तो क्योंकि इसका जो है ना पंप ख़राब है तो पंप की वजह से मैं इसको ख़ास यूज़ ही नहीं कर पा रही। तो वेल अभी जो है वो मैं इस ब्लॉग कहीं पे एंड करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, मेक श्योर कर दें जी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।